खबर नरसिंहपुर से, मंत्री श्री सिंह ने लोलरी में पल्स पोलियो की दवा पिलाकर किया अभियान का शुभारंभ। विधायक कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने जिला चिकित्सालय में बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। जिले के ग्राम लोलरी में प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव में विधायक श्री महेंद्र नागेश ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई। जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत दलीप कुमार, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजलि शाह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश बोहरे, सिविल सर्जन डॉक्टर मुकेश जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुनील पटेल ने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। जिले में यह अभियान 25 जून तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षित टीम द्वारा बूथ, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहा, प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर सुरक्षित करेंगे। आम नागरिकों से अपील की गई है कि अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य दिलाने में नहीं चूके। सीएमएचओ डॉक्टर राकेश बोहरे ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 से 25 जून 2024 तक संचालित किया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए 1269 बूथ, 35 मोबाइल टीम, 66 ट्रांजिट टीम सहित कुल 1377 टीम बनाई गई है। अभियान के दौरान 166,958 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। खबर भारत वर्ष के लिए नरसिंहपुर से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।